आत्मा तीनों शरीरों से भिन्न है क्यों? तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आत्मा से स्वतंत्र शरीर और कोष का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। जो भौतिक आँखों से देखा जाता है, जो मांस, हड्डियों, वसा, त्वचा, तंत्रिकाओं, बाल, रक्त आदि से बना है, वह भौतिक शरीर है। इसमें छह परिवर्तन होते हैं, अर्थात जन्म, अस्तित्व, विकास, संशोधन, क्षय और मृत्यु। यह शरीर युवावस्था में बढ़ता है और बुढ़ापे में क्षय हो जाता है। यह तब विकसित होता है जब अच्छा पौष्टिक भोजन आदि जाता है, और यदि भोजन बंद कर दिया जाए या कोई बीमारी हो तो यह सड़ जाता है। क्योंकि यह टूटकर सड़ जाता है इसलिए इसे शरीरा कहा जाता है। क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है इसलिए इसे देहा कहा जाता है। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से मिलकर बना है, अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण इंद्रियां, मन और बुद्धि। सूक्ष्म शरीर तीव्र अभिमान या अहंकार और मजबूत राग द्वेष के माध्यम से विकसित होता है, और जब अहंकार और राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं या काम हो जाते हैं तो क्षय हो जाता है। सूक्ष्म शरीर को आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि वैदिक तीन प्रकार के तपों द्वारा जलाया जाता है। केवल अज्ञान या अविद्या ही कारण शरीर का निर्माण करती है। कारण शरीर इस विचार के माध्यम से विकसित होता है, मैं जीव हूँ, और इस विचार के नष्ट होने या कम होने पर क्षय हो जाता है। तब मैं की पहचान ब्रह्म के साथ की जाती है। सूक्ष्म और कारण शरीर सांसारिक विचारधारा वाले व्यक्ति में सघन हो जाते हैं और गंभीर साधकों में पतले हो जाते हैं। कारण शरीर इस विचार के माध्यम से विकसित होती है, मैं जीव हूँ, और इस विचार के नष्ट होने या कम होने पर क्षय हो जाता है। जब मैं की पहचान ब्रह्म के साथ की जाती है, सूक्ष्म और कारण शरीर सांसारिक विचारधारा वाले व्यक्ति में सघन हो जाते हैं और गंभीर साधकों में पतले हो जाते हैं। कारण शरीर इस विचार के माध्यम से विकसित होता है, मैं जीव हूँ, और इस विचार के नष्ट होने या कम होने पर क्षय हो जाता है। जब मैं की पहचान ब्रह्म के साथ की जाती है, सूक्ष्म और कारण शरीर सांसारिक विचारधारा वाले व्यक्ति में सघन हो जाते हैं और गंभीर साधकों में पतले हो जाते हैं। बुद्धि की अग्नि, ज्ञानाग्नि सूक्ष्म और कारण शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति को सुनने, महसूस करने, देखने, चखने और सूखने का अनुभव प्राप्त करते हैं, और ध्यान के माध्यम से आत्मा का एहसास करने में सक्षम बनाता है। जो स्थूल और सूक्ष्म शरीरों का कारण है उसे कारण शरीर या कारण शरीर कहा जाता है। हम भौतिक शरीर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म शरीर को देख नहीं पाते। इसलिए कभी कभी यह पूछा जाता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व है। 17 अंगों द्वारा उत्पन्न प्रभावों से सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व को जाना या अनुभव लगाया जा सकता है। हम यह क्यों नहीं कह सकते हैं कि यह 17 प्रकार के कार्य भौतिक शरीर द्वारा किए जाते हैं?
सुषुप्ति, मूर्छा और मृत्यु में से 17 प्रकार की क्रियाएं भौतिक शरीर द्वारा नहीं की जाती। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह भौतिक शरीर के हैं। इसलिए हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि 17 क्षमताओं से संपन्न एक सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर की परवाह किए बिना मौजूद होता है। एक आपत्तिकर्ता कहता है, सूक्ष्म और स्थूल शरीर अलग अलग कार्य नहीं करते हैं, ये दोनों मिलकर सुनना, देखना आदि कार्य करते हैं। यदि आप अच्छी तरह विचार करें तो पाएंगे कि सूक्ष्म शरीर सभी कार्य करता है, दोनों एक साथ नहीं। एक दृष्टांत से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगी। अग्नि ईश्वर की सहायता से भोजन पकाती है तथा अन्य क्रियाएं करती है, तथापि खाना पकने या कार्य अग्नि के कारण ही होती है, ईंधन के कारण नहीं। इसी प्रकार देखने, सुनने आदि की क्रियाएं जो सूक्ष्म शरीर द्वारा की जाती है, जो अपने संचालन के लिए सूक्ष्म शरीर पर निर्भर होती है, सूक्ष्म शरीर के कारण होती है, स्थूल शरीर के कारण नहीं। क्या यह आप स्पष्ट है? इसलिए बिना किसी संदेह के इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए कि 17 क्षमताओं वाला सूक्ष्म शरीर मौजूद है। भौतिक शरीर जड़ है, इसकी शुरुआत और अंत है। यह अशुद्धियों से भरा है, यह नाशवान है, यह 5 तत्वों का उत्पाद है, यह भागों से भरा है। इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, पर परिमित परिच्छिन्न है, यह बदल रहा है। अतः यह स्वयंभू, स्वयं प्रकाश और सच्चिदानंद नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, इसकी शुरुआत और अंत है। यह 5 तमंत्राओं या सूक्ष्म तत्वों का उत्पाद है, यह बदल रहा है, यह नाशवान है, यह भी सीमित है, यह सदैव शुद्ध बुद्धिमान आत्मा नहीं हो सकता। कारण शरीर अज्ञान या आदिम अज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, यह भी जड़ है। आदमी कहता है, मैं अज्ञान का आदमी हूँ, हालांकि वह आरंभहीन है। इसका अंत है, जब व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो यह कारण शरीर के लिए मृत्यु है। यह शाश्वत शुद्ध अविभाजित अनंत आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तीनों शरीरों से पूर्णतया भिन्न है, जिसमें अपनी आत्मा को जान लिया और जो जानता है कि वह तीनों शरीरों से पूर्ण तरह अलग है, वह मुक्त व्यक्ति है। हमारे इस संसार सागर को पार कर लिया, वह स्वयं ब्रह्म है, वह तीनों लोकों में पूजनीय है, वही महिमा वर्णनीय है। आत्मा तीनों शरीरों से पूर्ण है।